हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सावन मास के आठवें सोमवार के दिन बन रहे सावन सोम प्रदोष व्रत के चमत्कारिक योग और इस चमत्कारिक योग में की जाने वाले विशेष पूजा विधि, पूजा का समय और एक ऐसे खास उपाय के बारे में जो आपकी हर मनोकामना को पूरा करने की ताकत रखता है। दोस्तों, सावन का महीना देवाधिदेव महादेव का सबसे प्रिय महीना है। कहते हैं कि यदि आप सावन के आखिरी सोमवार पर महाकाल का जलाभिषेक करते हैं तो आपको पूरे सावन में की जाने वाली शिव पूजा का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, साल 2023 में अब सावन माह समाप्ति की ओर है। सावन का आखिरी सोमवार व्रत और सावन का अंतिम प्रदोष व्रत 28 अगस्त 2023 को एक ही दिन और सोमवार के शुभ संयोग में पड़ रहा है, जो बहुत ही दुर्लभ संयोग रहेगा। इस दुर्लभ संयोग का लाभ आप जरूर उठाएं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। दोस्तों, 28 अगस्त के दिन सोमवार को सावन का आठवां सोमवार व्रत और आखिरी सोमवार व्रत रखा जाएगा। इस दिन सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण भी होगा, साथ ही सोम प्रदोष का संयोग बनेगा। ऐसे में सावन का अंतिम सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को शाम 6:22 तक सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। दोस्तों, इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:09 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:48 से रात 9:02 तक रहेगा। आइए जान लेते हैं सावन के आठवें सोमवार और सोम प्रदोष के इस खास संयोग में आपको किस विधि से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं और व्रत या पूजा का संकल्प लें। संकल्प करने के लिए हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प लेकर महादेव का ध्यान करते हुए संकल्प करें। दोस्तों, घर या घर के बाहर किसी भी शिव मंदिर में आप ये पूजा कर सकते हैं। पूजा से पहले सूर्य देव को एक लोटा जल में गंगा जल और लाल पुष्प डालकर अर्घ जरूर दें, इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। दोस्तों, सर्वप्रथम पूजा स्थल को गंगाजल मिले जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। अब सबसे पहले महादेव का जलाभिषेक करें। जलाभिषेक करने के लिए आप अपनी सामर्थ्य अनुसार या तो साफ जल में गंगाजल मिलाकर उससे अभिषेक कर सकते हैं, या फिर पंचामृत बनाकर जैसे जल में गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी मिलाकर शिव प्रतिमा या शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाएं। इसके बाद भगवान शिव को चंदन से त्रिपुंड बनाते वे तिलक करें। अब थोड़ी सी भस्म लगाएं और फिर महादेव को उनकी प्रिय चीजें जैसे सफेद फूल, धतूरा, समीपत्र, बेलपत्र, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, अर्पित कर दें। दोस्तों, शिव पूजा में साबुत अक्षत का बड़ा महत्व बताया गया है, इसलिए 108 दाने साबुत अक्षत यानी चावल महादेव को चढ़ाएं। अब घी का दीपक जलाएं और शिव चालीसा, शिव अष्टक का पाठ करें। दोस्तों, भोग में महादेव को चावलों से बनी खीर अर्पित करें। इसके बाद सावन सोमवार व्रत कथा पढ़ें और आरती कर लें और अपनी मनोकामना का ध्यान कर प्रार्थना करें। आइए जान लेते हैं सावन के आखिरी सोमवार पर किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। दोस्तों, इस बार सावन का आखिरी सोमवार बहुत ही शुभ है। इस दिन भगवान शिव का विधि पूर्वक जलाभिषेक कर पूजा करें। दोस्तों, राहु ग्रह को मजबूत करने के लिए आखिरी सावन सोमवार पर प्रदोष काल मुहूर्त में जल में 7 जौ के दाने मिलाकर महादेव का अभिषेक करें। दोस्तों, बेलपत्र महादेव को सबसे प्रिय है। कहते हैं कि इसके बिना शिव की उपासना संपूर्ण नहीं होती है, इसलिए भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, सावन के आखिरी सोमवार और सावन प्रदोष के दिन बेल के पेड़ की पूजा कर उसके तने पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चंदन से ओम लिख दें। इस उपाय को प्रदोष काल में करें। कहा जाता है कि यह उपाय इच्छा पूर्ति करने की ताकत रखता है और महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।